अरे ये तो मेरा नसीब अच्छा था कि ऐन वक्त पे मैं तुम जैसे आधे अधूरे आदमी से बनने से बच गई। इन सब के सामने कह दो कि तुम हमें गुल्लू के साथ शादी करोगी। हाँ करूंगी मैं अकेले से शादी। ये दूल्हा है, इसकी तो नसबंदी हुई है। नसबंदी कराने से या बच्चे पैदा नहीं कराने से कोई नामर्द नहीं बन जाता। तो इस घर की समस्याओं में आप ना ही मुझे तो अच्छा होगा। कल तुम्हारी पहली रसोई है बिटिया। हे भगवान, अब ये कैसे करूंगी। हीरा जी रहने दीजिए, हम सिखाते हैं आपको। तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हारा मुफ्त में इलाज कर सकता हूँ। ये जो ऑपरेशन है ना, इसकी कानो कान किसी को भी खबर ना लगे। तुम तो अखिलेश के बॉस हो ना, हो कौन तुम और ये चोरी क्यों कर रहे थे? क्या कर रहे हो तुम लोग? अखिलेश, तुम्हारी नसबंदी पलटने का ऑपरेशन नहीं हुआ है। सब ठीक हो जाता अगर आप यहाँ नहीं आती। एक बार पहले भी धनबाद में हुए किडनी रैकेट में पकड़े हुए डॉक्टरों में इसका नाम था। अब तो यकीन हो गया भैया, कीरा ने आपकी जान बचाई। हमका माफ कर दीजिए, हमारी जिंदगी का साथ ना छोड़िए। हम कभी आपको बोल नहीं पाए लेकिन हम भी आपको अपना अपना फ्रेंड मानते हैं। डॉक्टर से हुई तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली है। अखिलेश की नसबंदी करने वाली डॉक्टर तुम हो। What the hell is wrong with these people? David, Bansi, where the hell is my carrot and kale juice? Hey, पक पक, ये केल छोड़ो और एक केला खाओ, केला। अरे तुम्हारी अंग्रेजी सब्जियां जो है ना वो सोने के भाव से मिलती है, हम डेविड भैया को मना किए। What? तुम्हें पता भी है केल में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट? इट्स नॉट एंटीऑक्सीडेंट, इट्स एंटीऑक्सीडेंट्स। उससे स्किन ग्लो करती है। अरे छोड़ो, तुम्हारी मोटी चमड़ी हम चमकाते हैं ना, वो देसी नुस्खे बताते हैं। नींबू, नीम के पत्ते और करेले का काढ़ा पियो, काढ़ा। Ew! And what the hell is काढ़ा? Yes! अब चलो। चलो कहाँ? अरे गुरुवार की सब्जी मंडी माँ। आज हम तुमका सिखाते कि सब्जियाँ कैसे खरीदी जाती है। Like seriously, तुम मुझे सब्जी मंडी ले जाओ। चलो। अरे भैया, बड़े बड़े झोले तो निकालो। चुटकी जी आप? हमें पता नहीं था कि आप इतने रोमांटिक हो सकते हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप बुलाओगे तो हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? मैं कब बुलाया आपको? हमने कब नहीं बुलाया? आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। अब ये मैसेज आपके फोन से आया, तो ये क्या आपके भूत ने सेंड किया? पढ़िए। हे बजरंगबली, ईका मतबल हीरा जी जानबूझकर हमका चुटकी जी से मिलाने यहाँ लाई है। देखिए आप चुटकी जी, हम वो क्या है ना कि गर्मी की वजह से हमारा सर बहुत दर्द कर रहा है। हम एक काम करते हैं ना, हम होटल के अंदर जाके एसी में बैठ के आराम से बात करते हैं। अंदर कहाँ है? हम आपको घर छोड़ देते हैं, चलिए आइए। अरे वो हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो क्या है ना कि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। आप चलिए ना। अरे, चुछ। जिस लेडी के फिंगर्स में हमेशा लाखों के डायमंड हुआ करते थे, आज उसी लेडी के फिंगर्स में ये लेडी फिंगर्स से भरी हुई ग्रोसरी बैग्स है। Can you imagine that? What because of that? और ये डेफिनेटली ईरावती तो नहीं? ये बात तो पुष्पा को बतानी पड़ेगी। ओरी बोरी गंगा मैया, अपनी आंखें क्या सुनार के यहाँ गिरवी रख के आई हो? सारे आलू गिरा दिए। Babe, forget the आलू। बेटा हो गया चालू है? या अब किसी पराई लड़की की बाहों में बाहें डालकर उस होटल स्टार लॉजिन में ले गया उसको है? क्या है, है? मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे ले जाते हुए। ना बकवास बंद करो वरना ये कद्दू जो है तुम्हें खोपड़ियां में फोड़ देंगे हम। हां तुमको समझ में नहीं आता, कितनी बार समझाएं तुमका? हमारी दुल्हन के अलावा हमरो गुल्लू कोनो और महिला की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता है। आंख उठाकर भी नहीं देखता? ओ कम ऑन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ईरावती से पूछो कि क्या वो तुम्हारे ग्लू बेटे के साथ है इस वक्त। Come on, caller, caller. Caller, caller. अरे फोन लगाओ ईरावती को। तो सीधे सरल बोलो ना, फोन लगाओ।
ये चीखने चिल्लाने से थोड़ी ना दुबले होने वाली हो। Just call her. कर रहे फोन। बेचारा अखिलेश गुस्सा पांडे, क्या पता अभी भी चुटकी से शर्मा रहा होगा। आई होप थोड़ी देर में कंफर्टेबल हो जाएंगे दोनों। ये दबंग लड़कियों पर है ना, ये लाल रंग बहुत भपता है। हेलो, हाँ मोटीबा, तुम और गुल्लू जो है वो अटल का नाम कहाँ है? स्टार लाजिन। स्टार लाजिन महो का ए दुल्हन, तनिक तुम और गुल्लू जो है स्टार लाजिन महो का हाँ मोटीबा, वो मुझे भूख लगी थी ने तो पांडे जी मुझे खाना खिलाने लेकर आए। मोरी मोरी गंगा भैया, अच्छा अच्छा है। अच्छा देखा पक पक, हम ही दुल्हन जो है हमारे गुल्लू के साथ ही है। ए बच्चिया सुनो, ये होटलों में ना वो मांसाहारी खाना मिलता है, तनिक जरा ध्यान से। हाँ 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 मोटी बाब, आप चिंता नहीं करना। ठीक है, फोन रखते हैं बच्चिया। जय श्री कृष्ण। अब बोलो। She's lying. अरे झूठ बोल रही है। तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना? तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा? तुम ये सोचो, सुबह इरावती घर से साड़ी पहन कर आई थी मैम। हाँ, ये लड़की सलवार सूट में थी। You don't you believe me ना? Okay fine, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो मेरे साथ। नहीं जाना कहीं। Just shut up. चलो मेरे साथ। Just come with me. जल्दी चलो तुम। जरूर जरूर देवीना, मैं पुष्पांडी को होटल लेकर आएंगी, मुझे जाना ही होगा। बाहर तो पंजान बन रहे थे, लेकिन आपने तो यहाँ रूम भी बुक कर लिया है, वो भी इतना सजा हुआ। क्या बात है, आप बहुत रोमांटिक हो गए हो। क्या मुसीबत में डाल दिया इराजी ने हमका, न जाने काहे हमसे छुटकारा पाने के लिए इतनी उतावली हो रही है। क्या है? थैंक यू। सुन लिया क्या है? इस होटल का रूम नंबर 402 ब्लू बेटे के नाम पर बुक है। मैंने कहा था, पर मेरी बात तो माननी है नहीं। अभी भी विश्वास नहीं है ना, तो अपनी आंखों से चल के देख लेना। देवीना मैम, पुष्पांडी को जरूर रूम नंबर 402 में ले जा रही होंगी। आपको पता है अखिलेश, इस बारी हम हमारी शादी ना पूरी धूमधाम से करेंगे। और हाँ, बाबा ने तो बताया है कि इस बारी वो शादी का खर्चा खुद ही उठा लेंगे। वो क्या है ना, पिछली बारी हमसे गलती तो हुई थी ना। अरे आप आइए ना, बैठे बैठकर बातें करें। देखिए हमसे दूर रहिए चुटकी जी, हमका देखिए हमरे करीब नहीं आए, हमका पसंद नहीं आ रहा। क्या क्या बात है अखिलेश, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? देखिए चुटकी जी, हम आपको समझा। जी आप कहाँ थी? तुम चुप जाओ। देखिए खाओ, क्या कर रही हैं आप? देवीना मैम और पुष्पांडी यही होटल में है, और वो किसी भी वक्त हमारे कमरे में आने वाले हैं। देवीना मैम ने तुम्हें चुटकी के साथ देख लिया, और वो
यहाँ पर आई रहूंगी। चल क्या रहा है कोलो कैंडल लाइट डिनर अने आज ये होटल रूम और ये सब आप तो एकदम फिल्मी हीरो बन गए हो। मोरे मोरे गंगा भैया देखा दुल्हन जो है ना दुल्हन के साथ है इसलिए बोली अपने छोटे से दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ा। चलो अब चलो दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। जा चुके हैं आप तुम अकेले से थोड़ा दूर हो सकती हो। सॉरी चुटकी वो देवीना मैम को शक हो गया था इसीलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। सब समझती हूँ मैं। वैसे तुम चाहती ना तुम अखिलेश को कॉल करके सब बता सकती थी और मैं और अखिलेश सिचुएशन को हैंडल कर लेते। जल्दी जल्दी में मुझे जो सूझा वो मैंने किया कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। अब तुम मुझे सिखाओगी कि ओवर रिएक्ट कैसे करना चाहिए। मैं यहाँ पर झगड़ा करने के लिए नहीं आई। मैं बस तुम दोनों को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी बस। क्या क्या समझती हो तुम ये सब ड्रामा करके तुम अखिलेश के दिल में। एक मिनट क्या ड्रामा हा? अगर मुझे ड्रामा ही करना होता ना तो तुम दोनों को मिलाती नहीं मैं। पागल कुत्ते ने नहीं काटा है मुझे। तुम इतना महान मत बनो सबके सामने ठीक है। पता है मुझे तुम क्या करना चाहती हो। पकड़ो सबको। अरे पकड़ लो काहे भैया कौन जुर्म किए हम। शरणे ज्यादा होशियारी नहीं रेट पड़ी होटल में सब धंधा करने वालों को उठाने का ऑर्डर है मैं। और तुम लोग अप्सराबाद की शट्टी की छोकरी लोग ना तुम। इंस्पेक्टर साहब ये कहाँ बोले जा रहे हैं हम का ऐसी नीच हरकत करने वाले लोग नजर आ रहे का हम शादीशुदा है और ये हमारी धर्म ये इनकी पत्नी है। ये कहाँ बोल रही है आप। अखिलेश एक मिनट अखिलेश अगर चुटकी पे एक अलग लग गया तो पुष्पांडी से कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब ये ही इनकी पत्नी है। नहीं इंस्पेक्टर साहब ये हमारी पत्नी नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं हम ही तो आपकी पत्नी है। ए शाने दो दो बीवी का मैटर है क्या। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब यही इनकी पत्नी है। अरे चुप रहिए आप कहाँ चपड़ चपड़ किए जा रही है आप।
और हमका भी कोनू बोलने का अवसर देगा कि नहीं? हम भी जीते जागते इंसान हैं, कोनू खिलौना नहीं कि अपनी मर्जी के अनुसार दोनों चाबी भरे जा रही है। कल से हम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमका बोलने का अवसर दिया जाएगा कि नहीं? आप चाहती है कि हम आपकी जिंदगी से निकल जाए, है ना? और आप ही चाहती है कि आपका ब्याह हमसे हो जाए, लेकिन हमसे कौन पूछेगा कि हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हो तुम अकेले? हाँ? ए लड़की, बस हो गया तेरा ड्रामा, चल अभी चौकी में जाकर बताती हूँ क्या ना तक लगा के रखा है। पाटिल साहब घर ना। अरे अरे छोड़िए हमको, अरे ऐसे कैसे लेके जाएंगे आप हमारी पत्नी को? ई हमारी धर्म पत्नी है, ई नहीं। अग्नि को साक्षी मानकर हमने ई के साथ साथ फेरे लिए हैं इंस्पेक्टर साहब। ई की मांग में जो आप सिंदूर देख रहे हैं ना, ये हमारे नाम का है। ई मोतियों की डोर जो ई के गले में बांधी है ना, ये हमने अपने हाथों से बांधी है। और अभी भी आपको विश्वास नहीं आता है ना, तो ये देखिए। देखिए ये लड़की कौन है फिर? ये वो लड़की है इंस्पेक्टर साहब, जिनको हमारा दिल नजर नहीं आया। नजर आया तो केवल हमारी कमजोरी, हमारी निर्बलता। और बीच पवन डर में हमका हमारी अम्मा के साथ अकेला छोड़कर चली गई। ये भी नहीं सोचा कि हमसे रिश्ता तोड़ने के बाद हमारा और हमारी अम्मा का क्या होगा। और हमारे बगल में जो लड़की खड़ी है ना, हमारी परिस्थिति के बाद भी इन्होंने हमारा हाथ थामा। आज इन्हीं की वजह से हमारी अम्मा का हाथ हमारे सर पर बना रहा है। इंस्पेक्टर साहब, हम यहां कोनो ओछा काम नहीं कर रहे, हम तो केवल हमारी निजी समस्या का उपाय निकाल रहे हैं। देखिए आप लोगों को गलत फहमी हुई, आप लोग हमारे साथ बाहर आइए, हम सब विस्तार में समझाते हैं आपको। ठीक है, छोड़ दो इनको। चुटकी, मुझे नहीं पता था कि यहां पर ऐसा कुछ होगा। वाह, कितनी समझदार हो ना तुम, जानबूझ के ये घटिया सा होटल तुमने बुक किया ताकि मुझे बचाकर तुम अखिलेश के सामने महान बनो। आखिर क्या चाहती हो तुम? क्यों चाहती हो कि अखिलेश मुझसे अलग हो जाए? और तुम ये बात हमेशा याद रखना कि तुम और अखिलेश कभी एक नहीं हो सकते रा। और तुम भूल क्यों रही हो कि तुमने खुद अपने हाथों से अखिलेश की जिंदगी बर्बाद की है? देखो तुम गलत समझ रही हो चुटकी, मैं पर हम दोनों के बीच में आने की जुर्रत भी मत करना ईरा। अब ठीक है चुटकी जी, हम दोनों के बीच में कछु नहीं हो सकता। हम आपसे प्रेम नहीं करते, वो तो ईरा जी आपसे मिलाने के लिए हम का यहां लेकर आई, वरना तो हम आपसे कभी मिलना भी नहीं चाहते। अखिलेश जी मेरी बात सुनिए, देखिए हम आपको बहुत खुश रखेंगे, भगवान के लिए आप ऐसा मत कीजिए, और इसके इस नाटक में आप बहकिए मत। और आप ये क्यों बोल रहे हो कि इसी ने आपकी जिंदगी बर्बाद की, इसको तो मैं चुटकी जी, Thank you.
एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो आज एक महिला पर हाथ उठ जाएगा हमारा। मीरा जी की गलती हमारी जिंदगी का केवल एक पन्ना है, लेकिन जिस प्रकार हमारी जिंदगी ईरा जी ने सवारी है ना, वो हमारी पूरी किताब है। हमारी नजरों में ईरा जी की बहुत इज्जत है और उनका अपमान हम कब बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए ईरा जी। आप हमारे लिए इतनी भी भारी नहीं है ईरा जी।